हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एडवेंचर तो सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो या कोई भी हो। एडवेंचर में वाकई में एक जीने का अंदाज ही अलग हो जाता है। सभी को पसंद होते हैं, ये एक एक्साइटमेंट होती है जिसे करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अंदर का डर होता है। यही एक फियर फैक्टर होता है जो आपको निकालना होता है। वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे ही आप एडवेंचर करके निकाल सकते हैं। अगर आप पैराग्लाइडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा मानना है सबसे बेस्ट परफेक्ट एडवेंचर पैराग्लाइडिंग का मनाली है। मनाली में जाइए, काफ़ी हाइट पर ऊंचाई से आपको पैराग्लाइडिंग कराई जाएगी। रियली बता रही हूँ, आप देखेंगे इतनी हाइट पर ऊपर होते हैं, नीचे की रिवर, ट्रीज वगैरह बहुत छोटे नज़र आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक ओपन एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और बस आपके पंख लग गए हैं। वाकई में फ्रेंड्स, एक इतना प्यारा ये एडवेंचर होता है। अगर आपने नहीं किया तो आप ज़रूर करें। मेरी राय ये है कि इसे आप करके देखें। इसमें कोई डर नहीं है क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट का पूरा ध्यान दिया जाता है। आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी कि कोई भी एडवेंचर अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपके साइन ज़रूर करवा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग नहीं ले सकते। ये एक गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती है, इसके थ्रू आपको कोई भी एडवेंचर करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन आप अपने रिस्क पर जाते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमें साइन करा लेते हैं या हमसे एक रिस्क वाली बात हमें फील कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फेयर है, ये गाइडलाइंस है जो हम सभी को फॉलो करनी होती है, इन लोगों को भी करनी होती है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा मानना है, क्योंकि मैंने रिवर राफ्टिंग भी की थी, वहाँ पर भी हमसे साइन करवाए लिए गए थे अगर कोई मिस हैपनिंग होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक्सपीरियंस वाले होते हैं, इन्हें हर तरह की नॉलेज होती है। अगर कुछ ऐसी दुर्घटना या ऐसा होता है तो इन्हें बचाने का भी तरीका आता है, पता होता है सब कुछ, तो ऐसे डर की बात नहीं है। मेरा मानना है पैराग्लाइडिंग ज़रूर जाइए, ज़रूर करिए, जिंदगी फिर नहीं मिलेगी दोबारा। ये वाकई में एक मूवी आई थी, बहुत बेस्ट बनाई हुई है। वाकई में लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए इस तरह के सेफ्टी एडवेंचर ज़रूर करें। वाकई में सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, डर नहीं होता, इन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे ये यादगार है। मैंने हमेशा सोचा है कि मैं कभी भी अगर मनाली जाऊंगी तो मैं पैराग्लाइडिंग ज़रूर करूंगी। आप पैराग्लाइडिंग का वहाँ रेट 3000-4000 हाइट के अकॉर्डिंग बनता है, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा कर दिया जाता है। पैराग्लाइडिंग का टाइम कहीं पर तो 5 मिनट तक की होती है, लेकिन मैंने सबसे लॉन्ग डिस्टेंस वाली ऊंचाई हाइट की थी, जिसका टाइमिंग लगभग 13 मिनट का था। 13 मिनट तक मैंने फ्लाई किया था, मैं उड़ी थी खुले आकाश में, उड़ने का मन था। रियली बता रही हूँ, एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा। करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर करें, डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, वाकई में एक अलग एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी का मज़ा ही आ जाएगा। पहले मुझे डर था कि मैं कभी नहीं करूँगी पैराग्लाइडिंग, बट मैंने देखा इजीली तरीके से, बहुत सेफ्टी मेजरमेंट से करवाते हैं, ध्यान रखा जाता है। हाइट फोबिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनको हाइट से डर लगता है वो ये बिल्कुल ना करें। वाकई में फ्रेंड्स अमेजिंग है, आप देख रहे हैं हाइट कितनी ऊंचाई है, रिवर कितनी छोटी होती जा रही है, घर भी कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। इस हाइट पर एरोप्लेन भी काफ़ी हद तक उड़ते हुए नज़र आते हैं हमें, क्योंकि जब हम लैंड कर रहे होते हैं हम देखते हैं काफ़ी ऊंचाई पर होता है, तो वही हाइट मान लीजिए लगभग, तो खुले आकाश में बिना पंख के उड़ना वाकई में अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मज़ेदार है, आप ज़रूर करें मेरा मानना है। भैया ने बताया कि जितने भी ट्री लगे हुए हैं सभी ट्री सेब के हैं। यहाँ पर सेब है क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम रहता है, तो सेब ठंडे मौसम की ही खेती होती है। तो मुझे बताते जा रहे थे कि आप अगर करें पैराग्लाइडिंग तो जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ में बिल्कुल ना करें, क्योंकि रेनी सीज़न होता है। इन 3 महीने
ये पैराग्लाइडिंग को बंद कर देते हैं, बिल्कुल नहीं चलाते क्योंकि वेदर इसके अकॉर्डिंग नहीं होता। थोड़ा डर होता है इस मौसम में, इसीलिए ये गाइडलाइंस होती है इनके लिए कि ये रेनिंग सीजन में बिल्कुल भी पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे। बाकी पूरा साल आप जा सकते हैं, कभी भी आप पैराग्लाइडिंग ईजिली कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग वाले भैया काफ़ी हाइक तक और लेते जा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर एक तरीके का कंट्रोल होता है कि कितनी हाइट तक ये ऊपर लेके जा सकते हैं। वेदर यानी हवा के ऊपर डिपेंड करता है, हवा अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग होती है, मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पैराग्लाइडिंग का। तो देखिए अभी हम और हाइट पे जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। अब रिवर आप देखेंगे तो बहुत छोटी नज़र आ रही है, वाकई में मैं बहुत ऊंचाई पर आ गई थी, नीचे से मकान भी नज़र नहीं आ रहे थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लवली। मेरा मन तो फिर है कि मैं फिर जाऊं नेक्स्ट टाइम और फिर पैराग्लाइडिंग ज़रूर करूंगी क्योंकि मनाली फेमस ही पैराग्लाइडिंग के लिए है। तो इतना अच्छा एडवेंचर आप क्यों स्किप करें फ्रेंड्स, तो ज़रूर जाइए करें। और बार्गेनिंग हो जाती है मेरा मानना है क्योंकि हमसे ये भैया 4000 ले रहे थे लेकिन 3500 में इन्होंने हमारा पैराग्लाइडिंग का पैकेज पूरा किया, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने किया था, हमने 7000 रुपीज़ पे करे थे। तो इजीली है, बट अब आगे रेट बढ़ गया हो तो पता नहीं। मैंने ये 2019 में की थी, मंथ ऑफ 20 जून था और 20 जून को ही मेरा बर्थडे होता है। हमने 6 डे और 5 नाइट का पैकेज लिया था, लास्ट डे हमारा 21 जून था। हमें हबी ने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था क्योंकि मेरे एक मन की इच्छा थी मैं पैराग्लाइडिंग ज़रूर करूंगी। वो मुझे वहां ले गए बट उन्होंने बताया नहीं था होटल से कि हम पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं। और 20 जून का दिन था तो जब मुझे लेकर गए वहाँ बताया कि मैं पैराग्लाइडिंग कराऊंगा, तुम्हारा मन था, तुम्हारी इच्छा थी, तो वाकई में फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि वाकई में मेरा एक तरीके का ये ड्रीम था कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। आई मीन ड्रीम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात थी, बट मुझे हाइट से थोड़ा डर लगता है, मैं डरती थी लोगों को देख के वो पैराग्लाइडिंग कैसे कर लेते हैं, तो बस यही एक फियर था जो मुझे ख़त्म करना था। सो दैट्स वाई दिस इज़ माई एडवेंचर। हॉरेबल एडवेंचर तो नहीं था बट बहुत नाइस था, बढ़िया था, मज़ा आया इसमें, रियली बता रही हूँ, आप ज़रूर जाएं और करें। बस फ्रेंड्स अब टाइम आ रहा है धीरे धीरे, अब ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट हो चुके हैं फ्लाई करते हुए। भैया ने कहा कि अब टाइम आ रहा है हम नीचे चलेंगे, तो नीचे के लिए अब स्टार्टिंग हो गई है। तो देखिए अब आप देखेंगे तो रिवर भी अब धीरे धीरे बड़ी दिखने लगी है, तो अब एक तरीके से कहते हैं ना कि लैंड का टाइम आ गया है, नीचे हमें जाना है होगा। और उससे पहले उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको जब आप नीचे जाएं तो आप अपने पैरों को, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट ना रखें, थोड़ा ऊपर रखें ताकि आपकी पैर जो हैं वो ज़मीन से बिल्कुल ना टकराए। बहुत से लोगों के लिए ऐसा इंसिडेंट बन चुका है कि वो पैरों को ज़मीन से टच करते हैं जिससे फ्रैक्चर आने का या चोट लगने का डर होता है क्योंकि ऊपर से हाइट से हम नीचे एकदम लैंड करते हैं, बहुत स्पीड होती है इसकी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा आप अपने ब्लैक्स को ऊपर की तरफ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस बात को माइंड में रखा, मैं इसे बिल्कुल नहीं भूली। अब टाइम बस समझ लीजिए आ गया है नीचे आने का और समय बंद होता जा रहा है, मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही कि मैं अभी नीचे जाऊं। मैंने बोला भी भैया से, भैया और फ्लाई करवाइए, बट उन्होंने कहा कि एक टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हम करवाते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं ले सकते। तो बस मैंने कहा ठीक है भैया आप करिए। तो बस अब हम नीचे आने वाले हैं फ्रेंड्स। और मनाली में जो हाईएस्ट हिल थी हमने वहां से पैराग्लाइडिंग करी थी, वाकई में ऑसम एक्सपीरियंस। और बस हम पहुंच गए नीचे, ये मैंने अपने पैर ऊपर कर लिए हैं और फ्रेंड्स पैराग्लाइडिंग हो गई कंप्लीट ऑलमोस्ट। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए, मेरी वीडियो भी पसंद आए, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है।
और अब तब तक के लिए मैं बाय बाय करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, कोरोना पैंडामिक चल रहा है, आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।